Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I am going to review one website. Here and there you must have seen reviews or haul video देखे होंगे आपने इनकी website के. बात करने वाली हूँ क्रीवा के बारे में. अगर आपको क्रीवा website के बारे में नहीं पता है, it's an online portal जहाँ पर आप Indian traditional clothes खरीद सकते हैं, जैसे कि लहंगा, साड़ीज़ या शलवार कमीज. Before moving on, I just want to add a disclaimer कि यहाँ पर मैं किसी website को या मैं किसी brand को bash नहीं करने के लिए बैठी हूँ. I am just sharing my experience. हो सकता है आपकी experience इनके साथ अच्छे रहे हो. I am just sharing what I have gone through. So without any further ado, let's get started. If you are interested in knowing about this website, तो मैंने link description box में डाल दिया है, तो आप जाके check कर सकते हैं. तो मैंने क्रीवा website से order किया था ये लहंगा. Product quality के बारे में या मुझे product कैसा लगा इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी. पहले मैं बात करना चाहती हूँ मेरा experience with the delivery. मतलब December I had 2-3 wedding, तो मुझे उसके लिए कुछ affordable option ढूंढ रही थी मैं. तो that's how I come across क्रीवा website, क्योंकि मैंने YouTube पे काफ़ी सारे reviews देखे थे इनके product के और इनकी website के बारे में. तो मैंने क्रीवा वेबसाइट से ऑन 3rd of December एक लहंगा ऑर्डर किया. सो द प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड वॉज COD, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वेबसाइट जेन्युइन है नहीं है, तो मैंने इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया था. ऑन 4th आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम दैट वेदर माई ऑर्डर इज कन्फर्म और नॉट. तो मैंने उनको अपना ऑर्डर का कन्फर्मेशन दे दिया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज शेयर ट्रैकिंग डिटेल्स विद मी. 6th तक मेरे पास कोई भी ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं आई थी, तो 6th को मैंने उनको वापस से कॉल किया उनके कस्टमर केयर पे. पहले एक्चुअली मैंने उनको इंस्टा पे कनेक्ट किया उनसे, और वहां पर मुझे नंबर मिला कस्टमर केयर का. तो फिर मैंने 6th को उनसे ऑलरेडी कनेक्ट किया, तो उन्होंने मुझसे वापस से पूछा कि क्या आपका प्रोडक्ट कंफर्म है. तो मैंने उनको फिर से कंफर्मेशन बोला. 7th तक मेरे पास कोई ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं आई थी. 8th को अगेन मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अभी भी आपका प्रोडक्ट शिप नहीं हुआ है. इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो डिलीवरी डेज मेंशन किए हुए हैं वो 8-9 डेज हैं. अब अगर प्रोडक्ट डिस्पैच होने में ही ऑलरेडी 5-6 दिन लग रहे हैं, उसके बाद में 8-9 डेज की डिलीवरी है, देन व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डरिंग अब जब आपका अगर फंक्शन ही निकल जाए. तो 10th को समहाउ दे हैव डिस्पैच माय प्रोडक्ट, और मुझे जो लहंगा था वो 13th को मिल गया. तो हालांकि इन्होंने डिस्पैच करने में टाइम लिया, बट डिलीवरी जो है वो आराम से आ गई थी. बट 13th को ही हमारे यहाँ फंक्शन था, तो मेरे और ये लहंगा भी सेमी स्टिच था, तो मेरे लिए दिस प्रोडक्ट हैज नो यूज. सो फॉर मी दिस लहंगा हैज़ नो यूज. तो मैंने सोचा कि अब जब ये सेमी स्टिच लहंगा है और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, तो मैं और इसकी क्वालिटी भी मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जो मेंशन किया हुआ था, जो पिक्चर दी हुई है वेबसाइट पे और जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो कम्प्लीटली डिफरेंट था. मतलब लहंगा तो ठीक है, जैसा दिखाया वैसे ही है, बट ऊपर का जो टॉप है और जो दुपट्टा है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो मुझे एक तो लेट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मुझे इस प्रोडक्ट को करना था रिटर्न. जो लहंगे की कॉस्ट है वो थी 2000 रुपीज़, साथ ही साथ मुझे 150 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट भी देना पड़ा था. तो अब बात करते हैं इसके रिटर्न प्रोसेस की. इस ओ माय गॉड, इसका रिटर्न प्रोसेस इतना ज्यादा टीडियस है कि मतलब उससे आपको लगेगा कि प्रोडक्ट ही रख लो. दैट हैज एक्चुअली हैपेंड विद मी. तो जब मैंने मुझे इसको रिटर्न करना था, तो क्या हुआ कि इनके वेबसाइट पे जब तक आपको डिलीवर्ड नहीं दिखेगा आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हो. तो वेबसाइट पे और इनका जो रिटर्न डेज है वो 7 डेज है, उस 7 डेज के अंदर आपको इसको रिटर्न करना है. 5-6 डेज तक तो इनका वहां पर डिलीवर्ड ही नहीं लिख कर आया, तो 5-6 डेज आपके ऐसे ही निकल गए. उसके बाद में बचे 2 दिन. इनसे फिर से मैं इंस्टा पे इनको कनेक्ट किया, तो इन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी, तो वहां पर मैंने इनको मेल किया कि मुझे अब रिटर्न करना है. तो उसके बाद में इन्होंने मुझे लंबी चौड़ी सी एक रिटर्न पॉलिसी भेज दी, जो कि वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं की. तो उस पॉलिसी में जो पहली पॉलिसी थी वो थी कि नो मनी रिटर्न पॉलिसी. मतलब ये आपका मनी नहीं रिटर्न करेंगे, आपको उसकी जगह देंगे क्रेडिट नोट, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम इनसे शॉपिंग करो तो वो आप उसको यूज कर सकते हो. दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट भेजना है वो आपको अपनी कॉस्ट पे भेजना है. व्हाट इज द पॉइंट कि जो मैंने शिपिंग कॉस्ट दी है. तीसरा पॉइंट, जब इन्होंने 5-6 दिन के बाद में अपनी वेबसाइट पे डिलीवर स्टेटस डाल दिया, उसके बाद में मेरे पास बचता है सिर्फ 1 दिन उसको रिटर्न करने के लिए, और अगर वो 1 दिन मैं मिस कर देती हूँ, आई कैन नॉट रिटर्न दिस प्रोडक्ट. तो इतना हसल बसल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई ये प्रोडक्ट मैं रख ही लूँ. ठीक है, ये प्रोडक्ट सिर्फ 2000 का था, मैं इसको अफोर्ड कर सकती थी तो मैं रख लेती हूँ. बट देयर आर पीपल, शायद उन्होंने कुछ महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो. सो फॉर मी, जो भी मैंने इनमें पैसा लगाया मेरे लिए कंप्लीट वेस्ट था. तो अगर आप क्रीवा वेबसाइट से अपना सामान खरीदना चाहते हो, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाके शॉपिंग करना चाहते हो, एंड यू आर रेडी टू टेक दिस डिलीवरी और रिटर्न वाला पेन, देन यू कैन गो हेड. अदरवाइज मैं अपने साइड से तो वेबसाइट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी.
क्रीमा वेबसाइट पे जब मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसके पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही थी, उनके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे रहे थे। तो फिर यही सोचकर मैंने भी क्रीमा से लहंगा ऑर्डर करा था। बट हो सकता है कि जो पेन से मैं गुजरी या जो मैंने 2000 रुपीज़ का ऑर्डर किया प्लस 150, हो सकता है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कौन इतना हसल बसल में पड़े, प्रोडक्ट रख लो। बट इफ़ अगर मैंने कुछ महंगा ऑर्डर किया होता या फिर मैंने दो तीन सामान ऑर्डर किया होता देन, तो उस केस में तो मेरे पैसे चले जाते, पैसे डूब जाते। तो इसलिए मैं तो भाई इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। टू सम अप दिस वीडियो, जो मेरे इश्यूज रहे इस वेबसाइट के साथ, पहला तो डिलीवरी टाइम स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप 8 to 9 days बोल रहे हो तो एटलीस्ट 8 to 9 days में भी अगर आपका प्रोडक्ट आए तो गनीमत है, बट यहाँ तो ये उससे ज़्यादा भी टाइम ले रहा है। दूसरी चीज़ जो मेरा प्रॉब्लम रहा है इसके साथ वो ये कि जो रिटर्न पॉलिसीज हैं वो हिडन है। मतलब जब आप रिटर्न करने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। क्रेडिट नोट जो है वो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक एनीबॉडी प्रोवाइड्स। कि अगर मुझे एक बार में ही आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद नहीं आई तो चांसेस क्या है कि मैं आपके पास दोबारा आऊँगी खरीदने, तो मेरा तो पैसा वहाँ पर आपने फंसा दिया ना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, अगर मुझे डिलीवरी का पेन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, रिटर्न का भी पेन लेने के लिए तैयार हूँ, बट अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है देन वॉट इज़ अ पॉइंट। मेन चीज़ तो प्रोडक्ट ही है ना। अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल जो इसका टॉप है उसका जो कपड़ा है वो इतना चुभने वाला है, बेसिकली जो आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है प्लस जो मुझे मिला है, वॉट आई ऑर्डर्ड वर्सेज वॉट आई गॉट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी तो चलो जब आपको मिलेगी तब आप देखोगे, एटलीस्ट जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है पिक्चर्स में वो तो एटलीस्ट आपको मिले, वही टोटली डिफरेंट है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो और अगर आपके पास टाइम है देन डू प्रॉपर स्क्रूटनी। मतलब आप उनसे पहले पिक्चर्स ले लें प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट है, तब आप ऑर्डर करें। अदरवाइज आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस वेबसाइट टू एनीबॉडी। That's it for today's video. I hope you have liked my video. If you do, don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video. Till then, take care and bye-bye.